हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साकेत वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून, एंड आई एम हियर टू डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ द डे नंबर 15। ऑल राइट, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज ऑफ द टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर। द क्वेश्चन सेज अ मैन ऑफ हाइट एच नॉट इक्वल टू 2 मीटर इज बंजी जंपिंग फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म सिचुएटेड एट हाइट एच इक्वल टू 25 मीटर्स अबव अ लेक। One end of an elastic rope is attached to his foot and other end is fixed to the platform. He starts falling from the rest in a vertical position. The length and elastic properties of the rope are chosen so that his speed will have been reduced to zero at the instant when his head reaches the surface of the water. Ultimately, the jumper is hanging from the rope with his head 8 meters above the water. The first part is find the unstretched length of the rope, and the second part is find the maximum speed and acceleration achieved during the jump. Alright, so let's try to understand what the question has to say. Alright, तो मैंने आपके लिए एक थोड़ा simplified diagram बना रखा है। ये मैंने उस situation को दिखाया है जब ये jump लगाता है और इसका सिर जब just टकराने वाला होता है surface of the water को, तब ये इंसान रुक जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंसान की जो height है वो h naught है, और जो प्लेटफॉर्म और सरफेस ऑफ द वॉटर के बीच की दूरी है वो h है इक्वल टू 25 मीटर। तो चलिए आप सोचिए कि यहां पर क्या लगाया जा सकता है। यहां पर हमें यह समझ में आ रहा है कि सिस्टम से कोई एनर्जी गायब नहीं हुई है ना। तो सिस्टम से अगर कोई एनर्जी गायब नहीं हुई है तो हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। और मैंने सिस्टम किसे माना है, इंसान प्लस रोप प्लस अर्थ, इसे मैंने एक सिस्टम माना है ना। तो शुरुआत में आपको एक चीज का ध्यान देना होगा यहां पर कि हमें बात करनी होगी सेंटर ऑफ मास की, है ना। शुरुआत में आप देखिए कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द मैन वाज कैन बी अज्यूम टू बी हियर एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, है ना। सिमेट्री का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहां पर था, और फाइनली इंसान का सेंटर ऑफ मास कहां पर आ गया, अगेन हम लोग मान सकते हैं कि कहीं इस लेवल पर आ गया है ना। ये मान लेते हैं कि इंसान का सेंटर ऑफ मास है। तो यहां पर इंसान को अगर हम लोग देखें तो इंसान की पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई है ना। कितने की कमी आई है, इंसान की पोटेंशियल एनर्जी में अगर कमी निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कौन सी डिस्टेंस चाहिए होगी, आप सोच सकते हैं। मुझे यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस चाहिए होगी। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। इनिशियल सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गया, ये मुझे चाहिए। तो ये जो रेड वाली लाइन है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, जरा सोचिए। यहां से यहां तक की दूरी 25 थी, ये 26 थी। 26 में से हम लोग अगेन 1 घटा देंगे, है ना। ये वाली जो डिस्टेंस 1 मीटर है इसे हमें हटाना है। तो कुल मिलाकर के हमने क्या किया, ये जो दूरी है इसे कितना कह दिया, 25 मीटर, जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है एग्जैक्टली h के। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली ये जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैन है वो कहां जाकर के स्टोर हो गया। इनिशियली इंसान रुका हुआ था, फाइनली भी इंसान रुका हुआ है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो इंसान की पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आई है, दैट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द दिस रोप, है ना। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में इसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि अगर इस रस्सी की लेंथ, मान लीजिए कि नेचुरल लेंथ एल नॉट है, तो इस समय हम लोग कह सकते हैं कि इलोंगेशन लेटर से कि एक्स नॉट का हुआ है। तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो इंसान की कम हो गई वो कितनी कम हो गई, एम जी एच, और वो किधर रिफ्लेक्ट होगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। यहां पर एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द रोप, है ना। ये एक्स नॉट इस केस में क्या बन गया भाई, x नॉट बन गया इसमें इसका इलोंगेशन। ऑल राइट, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहली इक्वेशन डिराइव कर ली, mgh इज इक्वल टू
हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, जहां पर एक्स नॉट मैंने क्या माना कि इस मोमेंट पर जब ये इंसान एक मोमेंटरली रेस्ट पर आया है, उस समय ये जो रस्सी है उसमें कितना एक्सटेंशन आया। ऑल राइट, तो अब इसके बाद सोचते हैं कि क्या होने वाला है ना। अब इसके बाद जो भी होगा उसके लिए अपने को एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। नए डायग्राम पर जाने के पहले एक बार इस डायग्राम में एक और चीज है जो वर्थ नोटिसेबल है, वो ये है कि इस ग्रीन वाले लेंथ को देखिए, ये लेंथ है एच, उसमें से अगर ये ऑरेंज वाली लेंथ एच नॉट को घटा दें, एच माइनस एच नॉट, तो ये ब्लैक वाली लेंथ आ जाएगी, ये रस्सी की जो लेंथ है, तो वो इस मोमेंट पर कितनी है, एल नॉट जो कि नेचुरल लेंथ है, प्लस एक्स नॉट जो कि इस समय का मैंने एक्सटेंशन कहा। चलिए, तो ये है आपका नया डायग्राम। अब जो है ये इंसान नीचे तक गया था, उसके बाद फिर चूंकि स्प्रिंग काफी स्ट्रेच हो रखी थी तो वो वापस से धीरे धीरे अपनी लेंथ को एक्वायर करने की कोशिश में ये ऊपर खींचा इंसान को, और फाइनली इंसान जो है किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट सॉरी किसी एक पर्टिकुलर लेंथ पर आकर के फाइनली रुका हुआ है ना। यहां पर ये परमानेंट रेस्ट की कंडीशन में है, दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ मोमेंटरी रेस्ट, है ना। तो इस मोमेंट पर हम लोग कह सकते हैं कि इंसान इज एट इक्विलिब्रियम। इंसान इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पर ऊपर जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे भी लगेगा। ऑल राइट, तो नीचे इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, नीचे की तरफ तो एक ही फोर्स लगेगा mg, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा k इंटू एक्स, वेयर एक्स इज द इलोंगेशन इन द रोप एट दिस मोमेंट, है ना। और यहां पर मैंने ये रोप की लेंथ को शो कर रखा है एल नॉट प्लस एक्स, एल नॉट इसकी नेचुरल लेंथ है और एक्स इस मोमेंट पर मैंने जो इलोंगेशन है वो बताया है। वैसे हम लोग चाहें तो ये एल नॉट प्लस एक्स की वैल्यू को निकाल भी सकते हैं। आप देखिए ये ग्रीन वाली लेंथ जो है ये किसके बराबर होगी, 25 माइनस 8 माइनस 2, मतलब एल नॉट प्लस एक्स की वैल्यू एक्चुअली है 15। आई होप यहां तक क्लियर है। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को मैंने यहां पर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब जरा इक्वेशन 2 को देखिए, इसमें h माइनस एच नॉट इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एक्स नॉट है, तो h की वैल्यू कितनी है 25, एच नॉट की वैल्यू कितनी है 2, तो 25 माइनस 2 इज 23, तो 23 इक्वल टू एल नॉट प्लस एक्स नॉट, मैंने एक्स नॉट की वैल्यू क्या लिख दी, 23 माइनस एल नॉट, राइट। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब पहली इक्वेशन और ये जो अभी अभी हम लोगों ने इक्वेशन निकाली उसका इस्तेमाल करते हैं। MGH इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है, तो h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 25, तो mg इंटू 25 क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और एक्स नॉट को मैं क्या लिख दूंगा, 23 माइनस एल नॉट, तो वही मैंने यहां पर अभी आपके लिए लिख रखा है। MGH इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, एच के बजाय 25 लिख दिया, और एक्स नॉट के बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, 23 माइनस एल नॉट, और बाहर आ जाएगा होल स्क्वायर। देखिए एक्स नॉट की वैल्यू थी 23 माइनस एल नॉट की पावर 2। तो अगला काम मैंने ये कर दिया आपके लिए, mg इक्वल टू के एक्स इक्वेशन नंबर 3 थी हमारी, तो उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि m वहां पर अवेलेबल है और सवाल में हमें m नहीं गिवन है ना। तो एक इक्वेशन हमारे m इन्वॉल्विंग आई है, तो एक और इक्वेशन m इन्वॉल्विंग ले आते हैं। mg इक्वल टू के एक्स, और x आप देखिए कि ये जो इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 4, उसका इस्तेमाल करके मैंने x की वैल्यू को लिख दिया 15 माइनस एल नॉट। तो अपने पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो आप देखिए कि यहां पर mg जो है वो गायब किया जा सकता है ना। तो चलिए ये काम करते हैं, हमें डिवाइड करना है 25 mg को mg से, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, हाफ के 23 माइनस एल नॉट का होल स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है किससे, के अपॉन 15 माइनस एल नॉट से। तो जो जो चीजें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करी थी वो गायब हो गई, mg mg चला गया, के से के चला गया, तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो लेफ्ट साइड में आ जा रहा है 25, इसको उधर ले जाते हैं, 15 माइनस एल नॉट इज इक्वल टू, अच्छा 2 भी इधर है ना, इसको भी इधर ले जाते हैं, 2 इधर आ गया, इक्वल टू 23 माइनस एल नॉट होल की पावर 2। तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहां पर एक क्वाड्रेटिक बनने वाली है ना। तो चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं।
तो ये मैंने आपके लिए फर्दर कैलकुलेशन करके रख दी है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी जैसा कि हमने सोचा था, और उसके बाद इसके दो रूट्स अवेलेबल हो रहे थे, 13 और -17। ऑब्वियस है लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए -17 डिस्कार्ड हो गया और 13 जो है वो अप्रूव हो गया। इसका मतलब स्प्रिंग या फिर ये जो रोप है इसकी एक्चुअल लेंथ या नेचुरल लेंथ कितनी है, 13 मीटर्स। ऑलराइट, तो यही हमारे पहले पार्ट का जवाब भी हो गया जिसमें हमसे पूछा गया था कि फाइंड द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द रोप, है ना। नाउ क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सेलरेशन अचीव ड्यूरिंग द जंप। मतलब कि अभी पहले तो मैक्सिमम स्पीड के बारे में सोचते हैं कि इसने मैक्सिमम स्पीड कब एक्वायर करी होगी। ये बहुत ही अच्छा सवाल बन गया क्योंकि आपको एनालाइज करना होगा कि इसने मैक्सिमम स्पीड कब एक्वायर करी होगी। आप सोचिए शुरू में तो ये इस तरीके से यहां पर खड़ा था, इसके पैरों में रस्सी बांध दी गई और अब इसे नीचे फेंका गया। तो नीचे जब ये जा रहा था तो शुरुआत में इसका एक्सेलरेशन कितना था, जी था। उसके बाद क्या होने लगा, जैसे ही स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आई तब ये टॉट हो गई, और उसके बाद जो है जैसे जैसे ये और नीचे जाने लगा ये जो रस्सी है वो उस पर ऊपर की तरफ भी फोर्स लगाने लगी, है ना। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि उस पर दो फोर्सेस लगने लगे, एक तो नीचे की तरफ लगने लगा mg और एक ऊपर की तरफ लगने लगा लेट अस से k × x'। एक्स डैश क्या है, एक्स डैश है किसी भी मोमेंट पर उसका एक्सटेंशन, है ना। तो ये दोनों फोर्सेस इस पर एक्ट करने लगे। अब शुरुआत में जब बहुत लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो कह देते हैं कि इसने मैक्सिमम स्पीड एक्वायर करी होगी जब ये नेचुरल लेंथ पर था, ये कहना इसलिए गलत है क्योंकि जब ये नेचुरल लेंथ से आगे बढ़ा तब क्या हुआ, उस समय ये kx डैश आ गया, है ना, और kx डैश धीरे धीरे और ज्यादा होने लगा। लेकिन फिर भी देखिए कि शुरुआत में kx की वैल्यू तो जीरो थी और वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो वो mg को ओवरकम नहीं कर पा रही थी, है ना। तो अभी भी ऑल तो मान लीजिए कि kx डैश की कुछ वैल्यू हुई होगी शुरुआती, लेकिन वो mg से ज्यादा नहीं होने के कारण नेट फोर्स उस दौरान भी किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ, जो ऑब्वियस है कि mg से छोटा होगा पर नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो हमें किस मोमेंट की तलाश करनी है, उस मोमेंट की तलाश करनी है जब kx डैश की वैल्यू किसके बराबर हो गई हो, mg के बराबर, ताकि अब फर्दर उसे नीचे की तरफ कोई फोर्स ना मिल पा रहा हो और मजबूरन इसे क्या करना पड़ गया रहा हो, डिसेलरेट। सो वी आर लुकिंग एट दैट इंस्टेंट व्हेन mg इज इक्वल टू kx डैश, है ना। उस समय स्प्रिंग में या फिर इस रोप में इलोंगेशन कितने का आया रहा होगा, mg अपॉन k का। आपको ध्यान होगा इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 में हमने mg इक्वल टू kx किया था और यहां से x के लिए एक इक्वेशन भी लिखी थी, L0 + x = 15। तो ये जो x था ये कौन सा पोजीशन बता रहा था, ये बता रहा था इसकी फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमारे को फिर से तो mg बाय k की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब यहां पर जो x आया था वही क्या है, x डैश भी है। और यहां से x कितना आया था वो निकाल सकते हैं हम लोग। आपको ध्यान होगा कि L0 की वैल्यू 13 आ गई थी, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 15 माइनस 13 दैट इज 2। तो इसका मतलब x या फिर x डैश उन दोनों की वैल्यू क्या है, 2 मीटर्स। अब इसको समझते हैं ना, यहां पर जो x आया था वो कौन सी पोजीशन थी, वो वाली पोजीशन थी जहां पर वो फाइनली रुक गया है, लेकिन उसी पोजीशन से ये एक बार और पहले गुजरा था। आप बात समझ पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस समय मान लीजिए स्प्रिंग की ये जो रस्सी है उसकी लेंथ हो गई थी L0 + 2 मीटर्स, मान लीजिए L0 + 2 मीटर्स हो गई थी, मतलब कि 15 मीटर्स हो गई थी। तो जैसे ही 15 मीटर्स हुई थी अब इस पे डिसेलरेशन लगने लगा था, मतलब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन अब धीरे धीरे आना चालू होने वाला था। एग्जैक्टली इस मोमेंट पर नेट फोर्स जीरो हो गया था, तो ये नीचे गया बिकॉज ऑफ इनर्शिया, उसके बाद वापस से इन द एंड इस पोजीशन पर आकर के परमानेंट रेस्ट पर आ गया। तो ये एक ऐसी पोजीशन है इसकी जिस पर ये फाइनली भी है और जिस पर ये जब पहली बार आया था
तो इसकी स्पीड क्या हो गई थी? सबसे ज्यादा। तो बेसिकली अपने को करना क्या है, जब इसकी लोकेशन हो जाएगी कितनी, 15 मीटर्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, उस समय हमें निकालना है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। चलिए तो फटाफट एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके उस मोमेंट की स्पीड निकालते हैं ना। ये इंसान कूदा कूदा और फिर इस पोजीशन पर पहुंचा, ऐसी पोजीशन पर जब रस्सी की लेंथ कितनी हो गई, 15 मीटर, और उस मोमेंट पर हमने कहा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी या फिर इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। तो इंसान का सेंटर ऑफ मास कितना नीचे शिफ्ट हो गया, जरा वो देखिए। पहले वो था इस प्लेटफॉर्म से 1 मीटर ऊपर, अब हो गया देखिए रस्सी से भी 1 मीटर नीचे। तो 15 + 1 + 1 मतलब कि mg × 17, है ना, ये आई पोटेंशियल एनर्जी में कमी। नाउ दिस शुड बी रिफ्लेक्टेड एज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर प्लस और कौन सी एनर्जी आ गई इस समय, हाफ के। और देख लेते हैं कि इलोंगेशन स्प्रिंग ये रस्सी में कितने का है, रस्सी की लेंथ एल नॉट हमने निकाल रखी है 13 मीटर है, और इस समय रस्सी की लेंथ हो गई 15। इसका मतलब एक्स नॉट की, एक्स की वैल्यू जो है यहां पर आ गई 2, तो हाफ के इंटू 2 का स्क्वायर, राइट। तो अब अपने को बेसिकली बस यहां से क्या निकालना है, वी मैक्स निकालना है। तो देखिए अपने पास जो इक्वेशन आई है वो ये आई है, 17 mg इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर प्लस हाफ के इंटू 4। अब यहां पर अपने को के और एम दोनों एक साथ परेशान कर रहे हैं ना, तो क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को के से डिवाइड कर देते हैं। के से ये लीजिए मैंने डिवाइड कर दिया, और अभी जहां पर मैं था इस लोकेशन पर, यहां पर मुझे क्या हो रहा है, सारी चीजें दिखाई दे रही है। mg by k की वैल्यू कितनी थी, x, और x कितना आया था 15 - 13, दैट इज 2। तो mg by k की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है, वो कितनी आ रही है, mg by k इज कमिंग आउट टू बी 2, है ना। तो उसका इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं हम लोग, mg by k इज इक्वल टू 2। तो जहां जहां पर भी mg by k दिख रहा है, अच्छा यहां से m by k भी तो आ गया ना, m by k कितना हो गया, m by k हो गया 2/10 विच इज 1/5। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये बन जाएगा 17 × mg/k = 2, इट इज इक्वल टू हाफ, m by k कितना है 1/5 इंटू वी मैक्स का स्क्वायर प्लस k by k 1 4/2 2, ऑल राइट। तो ये हमारे पास आ गया 34 - 2, दैट इज 32 × 10 = 320। तो वी मैक्स हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 320 m/s। ऑल राइट, तो सवाल के आखिरी पार्ट पर पहुंचते हैं, जब हमें निकालना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए मैंने ये देखा कि क्या क्या हुआ इसके साथ। शुरुआत में इसने जंप लगाया, रस्सी तो उस समय स्लैक थी, तो इस पर नेट फोर्स जो है सिर्फ mg लग रहा था, जिसके कारण एक्सेलरेशन इसका आया जी। धीरे 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 क्या हुआ, एक्सेलरेशन एक टाइम पर ऐसा हो गया कि जीरो हो गया, जब स्प्रिंग में इतना इलोंगेशन आ गया, जब वो एग्जैक्टली एमजी को बैलेंस कर दिया। उसके बाद कौन डोमिनेट करने लगा, ऊपर की तरफ लगने वाला स्प्रिंग फोर्स, है ना। तो वो जो स्प्रिंग फोर्स है, जो रस्सी में स्प्रिंग फोर्स कह सकते हैं जो आया है, वो सबसे ज्यादा कब होगा, वो सबसे ज्यादा तब होगा जब ये रोप सबसे ज्यादा खींची भी होगी, है ना। और सबसे ज्यादा खींची भी कब होगी, जब रोप कहां पर होगी, ऐसे सिचुएशन में जब इंसान का हेड जो है ऑलमोस्ट वाटर को टच कर रहा था। तो उस समय कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये देखना कि उसमें रस्सी की लेंथ कितनी हो गई होगी, 25 - 2, दैट इज 23। 23 बिकेम द लेंथ ऑफ द रोप, एंड द नेचुरल लेंथ ऑफ द रोप वी हैव फाउंड आउट इज 13 meters। तो इलोंगेशन उसमें कितने का आया, 10 का। तो मैंने वही यहां पर लिखा है, मैंने एक्सेलरेशन क्या लिख दिया, के एक्स मैक्स माइनस mg होल डिवाइडेड बाय m। आप समझ पा रहे हैं, ये के एक्स मैक्स किस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ, mg किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ। तो के एक्स मैक्स माइनस mg अपॉन m उस मोमेंट पर उसका एक्सेलरेशन होगा। और हमें ये पता है कि अभी अभी निकाला x मैक्स 10 है, 10 × k - mg/m। अब आपको ध्यान होगा मैंने m by k की वैल्यू निकाली थी 1/5, तो k by m की वैल्यू हो गई 5, तो ये 50 - g बच गया,
जी को अगर हम लोग 10 ले लें तो हम लोग रफली कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इस मोमेंट पर कितना आया, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो शुरुआती एक्सेलरेशन था 10, फिर घटते घटते वो कितना हो गया 0, उसके बाद फिर वो बढ़ा, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गई, ऊपर की तरफ, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सेलरेशन बराबर 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अप। एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं जो सवाल में पूछा नहीं गया है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो इंसान है, ये आप सोचिए कि जिस मोमेंट पर अपनी हाईएस्ट स्पीड अटेन कर चुका था, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, नीचे गया, फिर इवेंचुअली वो कहां पहुंच गया, अपनी उसी पोजीशन पर जहां पर उसने हाईएस्ट स्पीड अटेन की थी, पर इस बार उसके पास कोई भी स्पीड नहीं है। तो यहां बेसिकली क्या हुआ है कि ये जो बंची जंपिंग वाला जो फिनोमेना होता है, इसमें हम लोग रियल रस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन दी एंड क्या हम लोगों ने माना कि जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे ऑसिलेशन हुए होंगे और फर्दर एनर्जी का लॉस भी हुआ सिस्टम में, और इन दी एंड वो फाइनली कहां पर आकर के रुक गया, एक ऐसी पोजिशन पर जहां पर उसकी स्पीड शुरुआत में क्या थी, मैक्सिमम। तो आपको ये डाउट आ रहा होगा अगर आपने इन दी एंड मोमेंट एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की कोशिश करी होगी, है ना। इन दी एंड हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक बार जब ये बॉटम मोस्ट पोजिशन पे पहुंच गया, उसके बाद कुछ समय तक छोटे छोटे ऑसिलेशन हुए और धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी भी डिसिपेट हुई और एंड में वो फाइनली रुक गया। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई हैव गिवन माई कॉन्टैक्ट इन्फो एट द बिगिनिंग। सी यू टुमारो विद द डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। टिल देन बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।